नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, समिट्स और कॉन्फ्रेंस देख रहे थे हम लोग। पहला वीडियो हम लोगों ने देख लिया था और उसमें मैंने आधी समिट्स और कॉन्फ्रेंस जो कि 1 जनवरी 2017 से लेके 31 जनवरी 2018 तक जितनी भी करवाई गई हैं वो सभी कवर कर ली थी। ठीक है, पहला पार्ट देख चुके थे हम लोग, सेकेंड पार्ट इसमें देखेंगे। अब इस वाले पार्ट में पूरा कंप्लीट कर लेंगे फिर। और देखिए, इससे पहले मैंने पूरा स्पोर्ट्स करंट अफेयर बता रखा है, प्लस आपको कमिटीज पूरी बता रखी है, पूरे ऐप्स और पोर्टल्स बता रखे हैं, अवार्ड्स पूरे बता रखे हैं, बुक्स पूरे बता रखे हैं, सब कुछ। मतलब करंट अफेयर का ये 10वां पार्ट है ये। ठीक है, इसमें हम लोग इससे पहले देख चुके थे। देखिए, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अभी जैसे रायसीना डायलॉग जो हुआ है अभी 2018 में, वो भी मैंने कवर कर लिया है। तो 2017 और 2018 का क्यूमुलेटिव करके कर लिया है। अब चलो, इसमें यहां तक हम लोग कर चुके थे। पहला वाला पार्ट आप देख लेना उसमें। ठीक है, पहला वाला पार्ट में हम लोग ये पूरा कर चुके थे। यहां तक आपका ये हो चुका था यहां तक। अब ये हम लोगों ने देखा था। अब सेकेंड वाले ये वाले पार्ट में चालू करते हैं। देखिए, ये हम लोगों ने देख लिया था कि ये जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस ऑन आयुष, ये कहाँ पे आपका कराया गया था? दिल्ली में कराया गया था। इसको कराया किसने था? फिक्की ने कराया था आयुष मिनिस्ट्री के साथ। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? इनहेंसिंग द पोटेंशियल, द ग्लोबल पोटेंशियल ऑफ आयुष। देखिए, इसमें मैं सिर्फ मेन पॉइंट बताऊंगा जो एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, ये भी हमने देख लिया था कि जो 11वां एनुअल मेडिटेक समिट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था आपका बायो डिजाइन प्रोग्राम के लिए, और ये करवाया था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का डिपार्टमेंट है, ताकि जो भी इंडिया में मेडिकल जो जैसे नीड्स हैं, जो मतलब मेडिकल डिवाइसेस कैसे अफोर्डेबल बनाए जाए, तो इन सभी को डेवलप कर, इन सभी को एम करके टारगेट किया गया था ये। उसके बाद देखिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्राउंड वाटर इशू, ये करवाया गया था कहाँ पे? दिल्ली में करवाया गया था, और इसका बेसिक थीम क्या था? ग्राउंड वाटर विजन 2030, वाटर सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन। ठीक है, तो या तो देखिए, जितनी भी समिट्स होती हैं, या तो उसमें ये पूछते हैं कि होस्ट कहाँ पे था, या ये पूछते हैं कि थीम क्या थी उसकी, और या फिर ये पूछते हैं कि किसको ऑर्गेनाइज किसने कराई थी, या फिर ये पूछ सकते हैं कि बेसिक एम क्या था इसका। ज्यादातर चीजों को हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्राउंड वाटर इशू ये दिल्ली में हुआ था। इसका थीम क्या था? ग्राउंड वाटर विजन 2030, वाटर सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन। इसको कराया किसने था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी और आपका CGWB ने, और प्लस मिनिस्ट्री ऑफ वाटर ने। ठीक है, उसके बाद देखिए, 11वां ट्रेड पॉलिसी फोरम हुआ था इंडिया और यूएस के बीच में। ये पर कहाँ पे हुआ था? वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। बायलेटरल ट्रेड इंडिया और यूएस को कैसे बढ़ाएं, उन सभी चीजों पे यहाँ पे बात हुई थी। प्लस और भी इशू, जैसे कि यूएस को हमेशा दिक्कत रहती है कि इंडिया में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको मतलब उतनी मान्यता नहीं मिलती है, इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है IPR से रिलेटेड, तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। फिर देखिए, 11वां वर्ल्ड कांग्रेस, देखिए जो भी इंपॉर्टेंट होगी मैं उसको दो बार बताऊंगा ताकि आपको याद हो जाए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो आप लोग इसमें देख लीजिएगा एक बार। 11वां वर्ल्ड कांग्रेस ऑन एडोलेसेंस हेल्थ, ये हुआ कहाँ पे था? नई दिल्ली में हुआ था। इसका थीम था इन्वेस्टिंग इन एडोलेसेंस हेल्थ, द फ्यूचर इज नाउ। अच्छा, एक बात बताइए कि जो इंडिया में एडोलेसेंट हैं वो किस एज से लेके किस एज तक होते हैं? जल्दी से बताइए, एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन योगा, ये हुआ कहाँ पे था? नई दिल्ली में हुआ था। थीम इसकी क्या थी? योगा फॉर वेलनेस। ठीक है, इसीलिए मैंने पिक भी इंक्लूड की ताकि आपको समझ में आ सके ये। देखिए, योगा फॉर वेलनेस है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था योगा के ऊपर, और 10 से 11 अक्टूबर 2017 में हुआ था, और आपका नई दिल्ली में हुआ था प्रवासी भारतीय केंद्र में। देखिए, थीम क्या थी इसकी? योगा फॉर वेलनेस। करवाया किसने था इसको? करवाया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू जी, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, इनॉग्रेट किया था। ठीक है, फिर उसके बाद है ब्लॉक चेन बिजनेस कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे हुई थी आपकी? विशाखापत्तनम में हुई थी। और अगर आप देखेंगे तो ये इंटरनेशनल ब्लॉकचेन बिजनेस कॉन्फ्रेंस होस्ट की थी फिनटेक जो वैली है विशाखापट्टनम ने, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के सपोर्ट से करवाई गई थी। वैसे भी आपने देखा होगा ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर बजट में भी बोला गया है जो अभी 2018-19 का आया है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे और ज्यादा रिसर्च होनी चाहिए। फिर उसके बाद देखिए, एक है ये आपकी एपिकॉन 2017। एपिकॉन क्या है ये आपकी? देखिए, इसकी थीम क्या है? इसका मतलब है कि एनुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजियोलॉजिस्ट एंड फार्मेकोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हुई कहाँ पे थी आपकी? जिपमेर पुडुचेरी में हुई थी।
और इसकी थीम क्या थी, ये सब मैंने देखे, पिक इंक्लूड की, इसीलिए थीम थी इसकी फिजियोलॉजी बियॉन्ड एकेडमिक्स इन द एरा ऑफ ट्रांसलेशनल रिसर्च, ठीक है। तो एपिकॉन 2017 ये हुई कहाँ पे थी, पुडुचेरी में हुई थी, जिपमेर पुडुचेरी में हुई थी, और इसकी थीम ये लिखी हुई है। और ये जो है 63rd एनुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस थी ये फिजियोलॉजिस्ट की और फार्मेकोलॉजिस्ट की, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए 48th जो कॉन्फ्रेंस थी गवर्नर की वो कहाँ पे हुई थी, राष्ट्रपति भवन में हुई थी नई दिल्ली में, और उसमें सेशन रिलेटेड हुआ था। देखिए नई न्यू इंडिया की बात चल रही है, 2017 से 22 तक न्यू इंडिया बनाएंगे और वो सभी चीजें जो कर रहे हैं। 2022 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे टारगेट ले रखे हैं कि हम किसानों की आय को दुगना कर देंगे, सबको घर मिल जाएगा, तो बहुत सारी चीजें चल रही है उसमें, उसी से रिलेटेड यहाँ भी बातें हुई थी। फिर उसके बाद देखिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन इनिशिएटिव एंड रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, ये कहाँ पे कराया गया था, ये कराया गया था आपका नई दिल्ली में। देखिए मैंने एक चीज आपको बताई थी कि आप अगर ज्यादातर जो कॉन्फ्रेंस हुई है मैंने अभी पूरी कवर की है करीबन 13 महीने की, तो इसमें मैंने एक चीज देखी कि ज्यादातर न्यू दिल्ली में हुई है, जो न्यू दिल्ली से अलग वाली है उनको एक विशेष आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक ग्रीन इनिशिएटिव जो भी रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए हुए हैं, मतलब सॉरी ग्रीन इनिशिएटिव और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, और ये नई दिल्ली में हुई थी। इसमें जो रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने रेलवे के 5 सोलर प्लांट को भी आपका इनॉग्रेट किया था, जो कि 5 मेगावाट के हैं ये, ठीक है। रूफ टॉप है सोलर प्लांट, और ये कहाँ कहाँ पे है, निजामुद्दीन, नई दिल्ली, आनंद विहार और दिल्ली रेलवे स्टेशन में। देखिए उससे पहले एक चीज ये देख लीजिए कि ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, ठीक है। ये है पूरा इसका लिंक, और इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूट्यूब में हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन नहीं जाते हैं, यहाँ पे आपको जो भी फ्री वाली चीजें होती है, फ्री वाले वीडियोज प्लस पीडीएफ सब कुछ यहाँ पे मिलता रहता है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशन, ये कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी, सॉरी नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के साथ मिलके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशंस ये करवाया था आपका, ठीक है। और उसके बाद ये और भी देखिए दिल्ली में हुआ, गांधीनगर में हुआ, और धोलावीरा गुजरात में हुआ, तो ये है 3 जगह पे हुआ था ये। PIB की न्यूज में भी दिया हुआ है, और इसका जो कॉन्फ्रेंस था ये फोर्थ था सीरीज में, और इसका बेसिक एम क्या था कि जो भी स्कॉलर हैं और जो 5 एंशियंट लिटरेचर हैं, जितने भी सिविलाइजेशन हैं, जैसे इजिप्ट हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, साउथ एशिया और चाइना और ये मीजो अमेरिका, तो इसकी कैसे स्टडी की जाए, और ये सभी बातें इसमें इंक्लूड की गई थी, ठीक है। उसके बाद है आपका इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस, तो ये 1 मिनट, इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पे हुआ आपका, इम्फाल मणिपुर में हुआ था, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है हमारा वहां पे पीस और हार्मनी को प्रमोट किया जाए। फिर देखिए जितने ये सार्क के भी बहुत सारे एक्चुअली हुए थे पिछले साल में, 8th सार्क स्पीकर पार्लियामेंटेरियन कॉन्फ्रेंस हुआ था, श्रीलंका में हुआ था ये, और इसका ये थीम क्या था, एसोसिएशन ऑफ द सार्क स्पीकर्स एंड पार्लियामेंटेरियंस। देखिए एक बार इसमें देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में सब कुछ नहीं याद आएगा, लेकिन थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि सार्क है तो कहाँ पे हुआ था, ये श्रीलंका में, ऐसे करके मतलब सार्क के जो बेसिक कंट्रीज हैं वो थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार। फिर वर्ल्ड कांग्रेस ऑन मार्क्सिज्म 2018, अब देखिए ये मार्क्सिज्म की बात है तो फिर ये चाइना में होगा, ऐसे आप समझ सकते हैं कि मतलब इस समय अगर आप वर्ल्ड में देखेंगे तो वैसे तो कोई कंट्री अभी प्योरली कम्युनिस्ट नहीं बची है, लेकिन जो आपका ये अभी चाइना है जैसे और क्यूबा है, वहां पे कुछ कुछ फॉर्म में कम्युनिज्म अभी भी बचा हुआ है, प्लस नॉर्थ कोरिया में, तो ये मार्क्सिज्म वाली, वैसे तो मार्क्स यहाँ के नहीं थे, लेकिन 2018 वाली जो वर्ल्ड कांग्रेस होगी मार्क्सिज्म पे वो होगी आपकी बीजिंग पे, और इसका थीम क्या होगा आपका, मार्क्सिज्म एंड द करंट वर्ल्ड एंड चाइना, ठीक है। फिर तीसरा ग्लोबल समिट इंडियन फोरम, ये कहाँ पे होगा, नई दिल्ली में हुआ आपका, और इसको करवाया किसने था, एसोचैम ने, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये कहाँ पे हुआ आपका, नई दिल्ली में हुआ है, और इसकी थीम क्या थी, इम्पावरिंग कंज्यूमर्स इन न्यू मार्केट, ठीक है ना। फिर इसके बाद है ये सबसे पहली हुई है ग्लोबल पार्टनरशिप समिट 2017, और इसको करवाया किसने, इंडिया सेंटर फाउंडेशन ने कराया था, दिल्ली में हुई थी ये पहली बार इंडिया में हो रही है, ठीक है, ग्लोबल पार्टनरशिप समिट।
उस पे फोकस किस पे रहेगा, ग्रीन एनर्जी पे था, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजों पे था। तो सब ये मतलब सबसे पहली बार इंडिया में हो रही है, इंडिया में सब मतलब पहली बार हो रही है ग्लोबल पार्टनरशिप समिट 2017, और इसको करवाया किसने था, इंडिया सेंटर फाउंडेशन ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है आपकी 14th इंक्लूसिव फाइनेंस इंडिया समिट, ठीक है। अब ये जो समिट है ये कहाँ पे हुई थी, ये नई दिल्ली में हुई थी, और इसमें ये इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे इंडिया की गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम भी लॉन्च किए थे, प्रधानमंत्री जनधन योजना की थी, फिर उसके बाद और बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं ये लोग। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि आपका आपके पास बैंकिंग सर्विसेज भी हो, आपके पास इंश्योरेंस सर्विसेज भी हो, आपके पास क्रेडिट फैसिलिटी भी हो, आपके पास पैसा जमा करने वाला भी हो, तो सब कुछ फाइनेंशियल आप किसी तरह इंक्लूजन में आ जाए, तो उसी के लिए 14वां इंक्लूसिव फाइनेंशियल फाइनेंस इंडिया समिट हुआ था नई दिल्ली में हुआ था, और उसमें ये सभी बातें हुई कि कैसे कंसेंसस बैठाया जाए और क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया पे, ठीक है। एक बुक भी इसीलिए यहाँ पे इसमें लॉन्च की गई थी, उसका नाम है टेकिंग फाइन सॉरी टॉकिंग टॉकिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन लिबरलाइज इंडिया, ठीक है। तो ये है इसमें मतलब 14th फाइनल ये इंक्लूसिव फाइनेंस समिट कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, इंपॉर्टेंट है काफी ये। फिर ये आईएम टेक कॉन 2017 ये कहाँ पे हुआ था, चंडीगढ़ में, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो बायल टेक्नोलॉजी, और इसका एम था कि जो भी इंडस्ट्री और एकेडमी के लीडर्स हैं उनको जो भी अभी मतलब इंडिया की जो अनमेट मेडिकल नीड्स हैं उनको मतलब ग्लोबल लेवल पे डिस्कस किया जाए। तो आई एम टेक कॉन 2017 ये हुआ था चंडीगढ़ में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ये हुई थी आपकी दुबई में, ठीक है। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में हुई थी, बस इतना याद रखिए। और ये एक एनुअल इवेंट है जो हर साल दुबई में होती है। बेसिक एम यही है कि ग्लोबली जो भी प्रोसेस हैं, पॉलिसीज हैं, उनमें पूरी दुनिया के लीडर्स को इकट्ठा करके यहाँ पे बातचीत करते हैं। ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हर बार दुबई में होती है। 2017 की टेक्नोलॉजी समिट ये कहाँ पे हुई थी आपकी, नई दिल्ली में हुई थी, और इंडिया का ये लार्जेस्ट नॉलेज और टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस था और एग्जीबिशन था। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि इसका जो पार्टनर था कंट्री वो कौन था, कनाडा था, ठीक है। तो 23rd ये टेक समिट थी ये आप याद रखिएगा, और ये इंडिया में हुई है, नई दिल्ली में हुई है, और इसका पार्टनर था कनाडा। इसको ऑर्गेनाइज किसने कराया, CII और आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। और इसमें थीम क्या थी, इसमें इसमें थीम थी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पे के ऊपर, कि कैसे आप एडवांस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे एरोस्पेस में, ऑटोमोटिव, रोबोटिक्स में, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएंगे, एविएशन सिस्टम बनाएंगे, तो सब कुछ होगा इसमें, ठीक है। याद कर रखना है कि 2017 वाली टेक्नोलॉजी समिट हुई कहाँ पे थी, नई दिल्ली में हुई थी। इंडिया का ये लार्जेस्ट नॉलेज और टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस है, और इसमें पार्टनर कंट्री थी कनाडा। फिर देखिए G20 की अगर आप देखेंगे, G20 की समिट जो मेन वाली हुई थी वो आपकी स्टेट ऑफ जो हेड ऑफ स्टेट वाली जो समिट होती है वो तो हुई थी आपकी G20 वाली 2017 की जर्मनी के हैमबर्ग में। तो उसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे प्रोग्राम हुए थे, जर्मनी में ही हुए थे वो कहीं कहीं, अभी बहुत सारे हम लोग देखेंगे इसमें। ये मेन याद रखिएगा G20 जो समिट हुई थी, और ये अभी 2018 में कहाँ पे होगी, अर्जेंटीना में होगी, ब्यूनोस एयर्स में। अब एक ये G20 की कौन सी है, ये फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर वाली जो है आपकी मीटिंग, ये हुई थी वॉशिंगटन DC में। तो ये आप याद रखिएगा, एक बार आइडेंटिफाई करने में काम आएगा। फिर 14वां इंडिया EU समिट ये नई दिल्ली में हुआ था, इसमें यूरोपियन काउंसिल के प्लस यूरोपियन कमीशन के बहुत सारे लोग आए थे। तो ये है इसमें बात। फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी नई दिल्ली में, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 22वीं GST काउंसिल मीटिंग नई दिल्ली में हुई थी, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन एक बार देख रहे हैं तो देख लेते हैं पूरा। फिर 9वां वर्ल्ड डेंटल शो 2017 वाला ये कहाँ पे हुआ था, मुंबई में, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, अलग टाइप का है यहाँ पे। और इसमें एक बांद्रा कुर्ला करके कॉम्प्लेक्स वहां पे खोला गया डेंटल से रिलेटेड मुंबई में, और ये इंटीग्रल पार्ट है किसका, एशिया के बिगेस्ट डेंटल इवेंट का, तो ये आप याद रखिएगा। फिर UN वाइल्ड लाइफ समिट 2020 ये कहाँ पे हुई, इंडिया में हुई, ठीक है। और सॉरी ये इंडिया में होगी, ये इंडिया में होगी 2020 में ना, अभी कहाँ है, हाँ अभी कर रहे हो आप लोग, UN वाइल्ड लाइफ समिट 2020 इंडिया में होगी, ठीक है। इंडिया होस्ट करेगा 13 जो सेशन है UN का, ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस का। और ये देखिए ये जो है आपका वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस होगा ये माइग्रेटरी स्पीसीज पे, ठीक है। तो CMS COP 13 होगा 2020 में, इंडिया में होगा। फिर उसके बाद है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, ये कहाँ पे होगा, रशिया में होगा।
रशिया के व्लादिवोस्तोक में होगा, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। अब देखिए जो ईस्टर्न इकोनॉमिक यूनियन है आपका, सॉरी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है आपका, इंटरनेशनल फोरम है, और ये हर साल किया जाता है रशिया में, ताकि जो रशिया के ईस्ट में वहां पे कैसे इन्वेस्टमेंट लाया जा सके। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे ये, इससे रिलेटेड एक टर्म है ये जरूर इम्पोर्टेंट है, यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन। देखिए ये अभी हमने क्या देखा, यूरोशियन इकोनॉमिक फोरम है ये, सॉरी यहाँ पे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है, लेकिन ये है यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, ये एक एसोसिएशन है और इसमें 5 कंट्री मेंबर हैं, आर्मेनिया, ये बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रशिया। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक है बार्क, BARKK। फिर आपकी 10वीं मेडिकल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी, और इसमें बेसिक एम यही था गवर्नमेंट का कि कैसे इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जा सके ताकि अफोर्डेबल हेल्थ केयर मिल सके इंडिया के मासेस को। ठीक है, और इसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री हेल्थ मिनिस्ट्री को भी इसलिए सपोर्ट कर रही है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा मेडिकल डिवाइसेस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाई जा सके इंडिया में, तो इसीलिए 10th मेडिकल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस हुई थी नई दिल्ली में। फिर आपकी है देखिए ये ईस्ट एशिया समिट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, ईस्ट एशिया समिट और जो आसियान समिट होती है वो एक ही जगह होती है, जहां पे आसियान होगी वहीं पे ईस्ट एशिया होगी। 2017 में वो कहाँ पे हुई थी, पूरी फिलीपींस में हुई थी, उसी से रिलेटेड बहुत सारी मीटिंग और भी हुई थी, वो सब भी वहीं पे हुई थी। ठीक है, तो इसको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, जो आसियान वाली मीट थी वही वाली आपकी वहीं पे होती है, ईस्ट एशिया वाली समिट। इंडिया इसमें ईस्ट एशिया समिट का मेंबर है। ठीक है, फिर देखिए पहला नेशनल कैनाइन सेमिनार ये कहाँ पे हुआ था, मानेसर हुआ था, मानेसर में हुआ था हरियाणा में, और इसका बेसिक एम क्या था कि कैसे आप कैनाइन को टैक्टिकल वेपन की तरह यूज कर सकते हैं जब आप टेररिज्म से लड़ रहे हो। और इसको करवाया किसने था, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने। ठीक है, इनका जो कैंपस है मानेसर में वहां पे करवाया गया था। देखिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को ही ब्लैक कैट्स के बोलते हैं इंडिया का, तो ये है इसमें बात। और बेसिक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि कैसे डॉग की ट्रेनिंग से रिलेटेड टेक्निक सीखी जा सके, और प्लस जो डॉग्स हैं उनको काउंटर टेररिज्म, मतलब जो डॉग्स होते हैं जैसे आपने देखा होगा मूवी वूवी में इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं, तो वही सब में कि कैसे इनको डिप्लॉय किया जा सके काउंटर टेररिज्म ऑर्गेनिज्म जब आप ऑपरेशन कर रहे हो। उसके बाद है कोस्टल शिपिंग एंड वाटरवे समिट, ये कहाँ पे हुई थी, कोची में हुई थी। ठीक है, तो ये इसका बेसिक पर्पस क्या था कि कोस्टल शिपिंग और वाटरवे से रिलेटेड जो भी पोटेंशियल है उसको कैसे आप पहचान सकें, तो कोस्टल शिपिंग एंड वाटरवे समिट हुई थी आपकी कोची में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ ऑप्टोमेट्री ये हुई थी आपकी हैदराबाद में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये इसलिए हुई थी, एम इसका क्या था इस वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ ऑप्टोमेट्री का, कि जो भी आई के हेल्थ सेक्टर में है उनको यूनिक अपॉर्चुनिटी दी जाए। ठीक है, उससे रिलेटेड जो हॉस्पिटल है, रिसर्चर्स हैं, एकेडमिक्स हैं, स्टूडेंट हैं, सबको। फिर स्टेट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी यूनिफॉर्म्ड वुमेन इन प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जेल में जैसे जेलर होते हैं तो उसमें महिलाओं को भी इंक्लूड किया जाए, उसी से रिलेटेड ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। उसमें फिर बैंकॉक रूल्स और जेंडर न्यूट्रलिटी और प्लस कैसे आपके वर्किंग आवर्स को फ्लेक्सिबल बनाया जाए, ये सभी कुछ आपका डिस्कस हुआ था। गुड गवर्नेंस एंड रेप्लीकेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये वाली जो आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी ये हुई थी गोवा में। ठीक है, बस इतना ही याद कर लीजिए, इतनी मुझे नहीं लगता इतनी इंपॉर्टेंट है। गुड गवर्नेंस एंड रेप्लीकेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस गोवा में हुई थी। फिर देखिए ये मिशन मोड टू एड्रेस अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है, जो अंडर न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम है इंडिया में, तो उसके लिए मिशन मोड ही चालू किया गया, नई दिल्ली से ही चालू किया गया था ये। फोकस इसका क्या था, मिशन माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया 2022। ठीक है, फिर RCEP ट्रेड नेगोशिएटिंग कमिटी की मीटिंग हुई थी आपकी कहाँ पे, हैदराबाद में। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ये। फिर जापान इंडिया कोऑर्डिनेशन फोरम ये हुआ था आपका नई दिल्ली में। और फिर ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर, देखिए ब्रिक्स वाली भी मीटिंग जो 9 समिट हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, क्योंकि वो चाइना में हुई थी, तो उसी से रिलेटेड और भी बहुत सारी हुई थी, ट्रेड मिनिस्टर की, एजुकेशन मिनिस्टर की, सब चाइना में हुई थी, तो ये आप याद रखिएगा। मतलब ये एक पैटर्न होता है, जैसे आसियान वाली जो मीटिंग होगी, जो जिस भी, मतलब मान लीजिए जैसे आसियान वाला जो था 2017 में, उसके लिए कंट्री कौन सा चुना गया था, फिलीपींस, तो वही वहीं पे होगा ईस्ट एशिया समिट, और वहीं पे उनसे रिलेटेड जितनी भी हैं सब वहीं पे होंगे। अब 2018 के लिए कौन सा चुना गया, सिंगापुर, तो जो भी है आसियान वाली ईस्ट एशिया समिट तो सब वहीं पे होगी। वैसे ब्रिक्स का भी है, ब्रिक्स 2018 में कहाँ पे होगा, साउथ अफ्रीका में, याद रखिएगा। फिर ये है आपका साउथ ईस्ट एशियन डिप्लोमेट्स की 50वीं हुई थी ये, 50वीं आसियान रीजनल फोरम, ये कहाँ पे हुआ था, 50वीं मीट हुई थी मनीला फिलीपींस में। ठीक
ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको, कोई वही फिलीपींस से है, वहीं पे होगा सब आसियान से रिलेटेड जो भी चीजें हैं। फिर उसके बाद है आपका रीजनल ट्रेड टेक्निकल ग्रुप है, हुआ था ये। और ये एक्चुअली मतलब कुल मिला के ये क्या है कि रीजनल टेक्निकल ग्रुप ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट हार्ट ऑफ एशिया, जो इस्तांबुल प्रोसेस है वो हुई थी आपकी नई दिल्ली में हुई थी, ताकि कैसे आप अफगानिस्तान को एज ए हब प्रमोट कर सकें। अब देखिए ये जो है आपकी हार्ट ऑफ एशिया जो प्रोसेस है इस्तांबुल में, ये किस लिए स्टेब्लिश की गई थी, ताकि जो अफगानिस्तान के आसपास जितने भी अगल बगल जो कंट्री हैं, तो वहां पे उनको कैसे अफगानिस्तान के साथ वो पॉलिटिकली इकोनॉमिकली कॉपरेट करके अफगानिस्तान को सेंटर में रख के सब पॉलिसी बनाई जा सके, ताकि वहां पे कोऑर्डिनेशन रहे अफगानिस्तान और अलग कंट्रीज को, क्योंकि अफगानिस्तान को अमेरिका ने तबाह कर डाला था, तो वही अब कैसे उसको रीडेवलप किया जाए, कैसे वहां पे इकोनॉमिक डेवलप किया जाए, इसीलिए ये सब प्रोसेस चल रही है हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस, और इसके मेंबर कंट्रीज में से इंडिया भी है, ये याद रखिएगा जरूर, ठीक है। और उससे रिलेटेड देखिए, सबसे पहले ये इस्तांबुल में एक मीटिंग हुई थी आपकी, ठीक है। फिर उसके बाद लेटेस्ट जो आपकी हार्ट ऑफ एशिया वाली मीटिंग हुई थी, वो हुई थी आपकी अमृतसर में, तो ये याद रखनी है आपको इसमें, इसीलिए मैंने कुछ कुछ इसमें बीच में पिक इंक्लूड करी है। देखिए पहली आपकी बिम्स्टेक कंट्री की मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है कहाँ पे, नेपाल काठमांडू में, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और चीज है कि जो पहली बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2017 में हुई है, वो हुई थी आपकी, ठीक है, वो दिल्ली में हुई थी। तो ये दो चीज आप याद रखिएगा, पहली फॉरेन मिनिस्टर जो है आपकी, फॉरेन सॉरी यहाँ पे पहली नहीं होगा, फॉरेन मिनिस्टर की जो बिम्स्टेक कंट्री की मीटिंग थी वो हुई है काठमांडू में, और पहली बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज वो हुई है दिल्ली में, ठीक है। तो ये दो चीज याद रखिएगा। आप देखिए बिम्स्टेक में कंट्री कौन कौन सी होती है, पहली बात तो BIMST यानी कि बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, और आपका ये है देखिए बिम्स्टेक कंट्रीज का पूरा ये विकिपीडिया में डिटेल, सात कंट्रीज है। देखिए पहली बात तो आप ये याद रखिएगा BIMST, तो यानी कि क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, और प्लस नेपाल और भूटान को ऑर्बिट कर दीजिए, तो ये जो बे ऑफ बंगाल के सराउंडिंग में कंट्रीज है उनका एक यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टाइप का है ये, ठीक है। तो बिम्स्टेक को आपको याद रखने की ट्रिक क्या है कि बस BIMST वो तो याद रखना है, EC की जगह आपको नेपाल भूटान जोड़ देना है इसमें। फिर 17वीं मीटिंग हुई थी आपकी फाइनेंस स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट काउंसिल की, कहाँ पे हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। और ये जो फाइनेंस स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट काउंसिल था, ये की कुल मिला के क्या कर रहा है, देखिए इसकी सबसे पहले बात की गई थी रघुराम राजन कमेटी 2008 में बनी थी, उसने बात की थी कि एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो पूरे फाइनेंशियल मार्केट को इंडिया में कंट्रोल करे, रेगुलेट करे, लेकिन वो उसको ऑटोनोमस बॉडी नहीं बना पाए, और लेकिन बनाया जरूर गया, लेकिन ये स्टेटूटरी बॉडी है, ये मतलब ऑटोनोमस बॉडी की बात हुई थी, लेकिन स्टेटूटरी नहीं बना पाया उसके लिए, तो इसी से रिलेटेड ये मीटिंग हुई थी 17वीं यहाँ पे आपकी नई दिल्ली में। और उसके अगर मान लीजिए कभी आपसे पूछ लें कि इसके चेयरमैन कौन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, और इसके जो मेंबर गवर्नर भी होते हैं जो RBI के हैं। फिर उसके बाद 9वीं मीटिंग हुई थी हेड ऑफ स्टेट की, हेड ऑफ गवर्नमेंट की, SCO की, कहाँ पे हुई थी, किर्गिस्तान रिपब्लिक में हुई थी। पहली सिनर्जी कॉन्फ्रेंस डिफेंस पेंशन पे हुई थी आपकी न्यू दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद है इंडिया यूरोपियन यूनियन काउंटर टूरिज्म डायलॉग, ये वो आपका कहाँ पे होता है, नई दिल्ली में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। संकल्प से सिद्धि प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे हुआ था आपका, कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुआ था, और यहाँ पे एक प्लेज लिया गया था। देखिए वैसे अगर आप देखेंगे तो नेशनल जो यूथ फेस्टिवल हुआ था 2017 का, उसमें ये आपका एम भी था, संकल्प से सिद्धि प्रोग्राम लेंगे ये और न्यू इंडिया बनाएंगे 2022 2022 मतलब 2017 से लेके 22 तक पूरा मूवमेंट चलाएंगे ये, और उसमें काफी सारी चीजें हम करेंगे, करप्शन फ्री इंडिया बनाएंगे, पॉवर्टी फ्री इंडिया बनाएंगे, टेररिज्म फ्री इंडिया बनाएंगे, कम्युनलिज्म फ्री इंडिया बनाएंगे, कास्टिज्म फ्री इंडिया बनाएंगे, सबसे बड़ी बात तो, ठीक है। तो ये सब चीजें हुई थी यहाँ पे, लेकिन रिजर्वेशन फ्री इंडिया नहीं बनाएंगे, ये वाली बातें नहीं हुई थी। फिर उसके बाद है आपका नमस्कार अफ्रीका ट्रेड शो, ये आपका हुआ था घाना में हुआ था ये, ठीक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। फिर ब्रिक्स एडुकेशन मिनिस्टर की समिट हुई थी आपकी बीजिंग चाइना में। और उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, फर्स्ट इंटरनेशनल एविएशन सिक्योरिटी सेमिनार, ये आपका कहाँ पे हुआ था, मानेसर हरियाणा में हुआ था, और इसमें 26 मतलब 26 हाईएस्ट मॉन्यूमेंटल फ्लैग भी यहाँ पे अनफर्ल किया गया था। इसको किसने कंडक्ट कराया था, NSG ने किया था, पहला इंटरनेशनल एविएशन सिक्योरिटी सेमिनार, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पे हुआ था, ये नई दिल्ली में हुआ था,
सॉरी मानेसर में हुआ था, मानेसर में हुआ था। फिर देखिए पहला एडिशन जो था आपका विंग्स 2017 का, वो आपका न्यू दिल्ली में हुआ और वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर में हुआ, उसने होस्ट किया और उसका थीम क्या था, सब उड़े सब जुड़े। बेसिक गेम यही है कि जो रीजनल कनेक्टिविटी वाली उड़ान योजना है उसी से रिलेटेड ये स्कीम है, ये विंग्स 2017। रीजनल कनेक्टिविटी यही है कि मतलब आप जैसे आप आम आदमी की पहुंच में भी आ सके ये, और हर जगह रीजन को कनेक्ट कर सके एयर से, और प्लस लोग सस्ते में उड़ सके। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी दो एक कॉन्ट्राडिक्टरी नीति चल रही है, एक तरफ तो रेलवे में किराया बढ़ाते जा रहे हैं जनरल का, एसी का, हर जगह का, मतलब उसको ऐसा कर दिया है, और दूसरी तरफ ये एयर ट्रेवल कह रहे हैं कि घटा दो। अब एयर जो आपका एयर फेयर होता है कि उसमें कह रहे हैं 50% सीटें आप बुक कर दो उड़ान के थ्रू, और उसमें आपको मतलब 2,000 3,000 ऐसे करके आप वहां पे किराए में आम आदमी उड़ सके। तो मतलब जो आपकी रेलवे का टिकट है और वो एयर वाला टिकट है, ये दोनों लगभग बराबर होने जा रहे हैं। तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है नीति है। अब अगर इतना ही आपको चिंता है तो आप रेलवे के फेयर नहीं बढ़ाते तो वो ज्यादा अच्छा रहता। खैर 12th मीटिंग हुई थी G20 की हैमबर्ग जर्मनी में, इसका थीम क्या था, शेपिंग एंड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा। इसमें G20 लीडर्स ने एक फंडिंग प्लान भी अप्रूव किया है $1 बिलियन का वुमेन एंटरप्रेनर्स के लिए, ठीक है। फिर ये एक इनफॉर्मल ब्रिक्स लीडर मीटिंग हुई थी आपकी हैमबर्ग जर्मनी में हुई थी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिए एक बार। वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की 41वां सेशन हुआ था, ये कहां पे हुआ था, क्राको पोलैंड में हुआ था, और इसमें अहमदाबाद जो कि गुजरात से है उसको इंडिया की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बना दिया था, किसने, यूनेस्को ने, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। या तो ये पूछ सकते हैं कि अहमदाबाद को पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी किस जगह, मतलब किस सेशन में बनाया गया था, ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी के किस सेशन में, 41st में, कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था क्राकोव पोलैंड में, ठीक है। फिर वर्ल्ड पेट्रोलियम कांग्रेस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे हुई थी आपकी, इस्तानबुल, इस्तानबुल तुर्की, अरे यार टर्की में हुई थी सॉरी। तो वर्ल्ड पेट्रोलियम कांग्रेस इस्तानबुल में हुई थी टर्की में, और इसकी थीम क्या थी, ब्रिजेस टू आवर एनर्जी फ्यूचर, ठीक है। चलो अब बाकी नेक्स्ट थर्ड वाले पार्ट में कर लेते हैं, यार थोड़ा सा दिक्कत हो रही है बोलने में।